श्री ओमपाल गिरी जी हमारे साथ पिछले एक साल से जुड़े हुए, हमारे से रेगुलर बेसिस पे फर्टिलाइजर्स एंड बीज वगैरह ले रहे हैं। कल उनका एक मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि उनके प्लांट में जो टमाटर की जो लीव्स हैं मुड़ रही हैं, तो मैंने कहा इससे मैं टमाटर के आप प्लांट लगा रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा वीडियो भेजिए। जब उन्होंने वीडियो भेजा तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि भाई इनके टमाटर जो हैं इस समय हैं उसमें फ्रूट भी आ रहे हैं। इनके यहाँ भिंडी अच्छी हो रही थी, वीडियो में मैंने देखा। इनके यहाँ पे लौकी अच्छी उगी हुई है, वो मैंने देखा। इनके यहाँ पे करेला जो है वो अच्छा हो रहा है, वो मैंने देखा। वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये सारे प्लांट जो हैं एक बार अगर इस्टेब्लिश हो जाते हैं, इनके रूट्स अच्छी तरह डेवलप हो जाए, उनको पानी मिले, तो गर्मी में चल सकते हैं। लेकिन 35 डिग्री के ऊपर टमाटर, वो भी अर्का रक्षक, जो जिनके बारे में कहा जाता है कि नॉर्थ इंडिया में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो चलते नहीं है, तो नॉर्थ इंडिया वो भी दिल्ली में पॉल्यूशन के अंदर में 46-48 डिग्री टेम्परेचर में इनका जो अर्का रक्षक है वो सर्वाइव कर रहा है। और ना केवल सर्वाइव कर रहा है, फ्रूटिंग भी उसमें आ रही है। कुछ एक प्लांट में मैंने छोटे छोटे आपके फ्लावर्स भी देखे हैं, तो ये मेरे लिए जो है क्या कहते हैं बहुत ही आश्चर्य की बात रही। और मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे ज़रूर एक वीडियो बना के भेजा, जिन्होंने भेजा, जो आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। रियली मेरे को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि 48 डिग्री प्लस में अर्का रक्षक टमाटर इनके यहाँ पे चल रहा है। तो मैंने इनसे ही पूछा कि आपने ऐसा किया कि आपने बगीचे में कि ये अर्का रक्षक आपके चल रहे हैं, बाकी प्लांट भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जबकि हर एक दूसरे से जो मुझे फीडबैक आ रहा है अपने व्यूवर से कि उनके प्लांट जल जा रहे हैं गर्मी में, और इस समय जो है कोई भी प्लांट बच नहीं रहा। तो मैंने इनसे पूछा कि आप क्या करते हैं? तो इनका जवाब था कि मैं जो हूँ इनके नीचे का मॉइस्चर बना के रखता हूँ। डेली बेसिस पे मैं इनके जो नीचे की मिट्टी है वो अच्छी तरह से गीली करता हूँ, और जो क्यारी है उसमें पानी छोड़ता हूँ, जिसकी वजह से इनको पूरा जो है मौका मिलता है ज़मीन से पानी लेने का। और ये पानी जब इनकी पत्तियों से निकलता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो क्या होता है कि भले ही स्ट्रेस हो, पत्ती थोड़ी सी झुलस जाए, लेकिन पूरा पौधे में चूंकि पानी रहता है तो पौधा आपका इस हीट को सर्वाइव कर जाता है। दूसरी चीज़ आप जरूर नोटिस कर पा रहे होंगे कि इन्होंने जो बड़े सलीके से अपने प्लांट को लगाया है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई अनुभवी आदमी ने इसकी जो है प्लांटिंग की हुई है। प्रॉपर स्पेसिंग दी है। अगर आप जैसे भिंडी के ये देखें प्लांट्स, तो इसमें आपस में एक दूसरे को छूते हुए से हैं, लेकिन एक दूसरे में घुसे हुए नहीं हैं। तो प्रॉपर स्पेसिंग में हवा, सनलाइट इनको मिली हुई है, लेकिन ये चूंकि आसपास हैं तो इनका एक अपना खुद का एक इकोसिस्टम भी बन गया है। यानी कि एक ऐसा, जैसे आप किसी बड़े पेड़ के नीचे या काफ़ी जहाँ पेड़ होते हैं उसके नीचे आप जाएँ तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है, उसी प्रकार से इनके भी अंदर जो नीचे आप देख रहे हैं तो इकोसिस्टम की वजह से जो बना है थोड़ा सा ठंडा बन रहता है। बाहर के टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में फ़र्क रहता है। करेला वगैरह भी आप देख रहे हैं काफ़ी घना इनका काफ़ी अच्छा उगा हुआ है, तो उसमें भी वही बात लागू होती है, चूँकि आसपास इतना एक सिस्टम बन गया तो ऊपर भले ही इसके ऊपर गर्मी ज़्यादा हो, बट अंदर आपका जो है इसमें ठंडक बनी रहती है, ज़मीन में मॉइस्चर है तो वो भी ठंडा रहता है, इसकी रूट जो है जलती नहीं है। तो यही सीक्रेट है इनके गार्डन का, इतनी गर्मी में भी ये अच्छे तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। दूसरा मैंने इनसे पूछा बीमारी के लिए, तो उन्होंने बोला जो नीम वाल हमसे लेते हैं वो छिड़काव करते हैं, और गोबर के उपले की राख का भी ये छिड़काव करते हैं पत्ते के ऊपर में, जिससे कि कोई प्रकार की इनकी बीमारी नहीं लग पाती है। तो व्यूअर्स, आप भी अपने आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अपने पौधों को पास पास रखिए, उनकी मल्चिंग करिए, मॉइस्चर बना के रखिए, जिससे कि इस गर्मी में आपके पौधे सर्वाइव कर जाएं। एक बार इस गर्मी को सर्वाइव कर जाएंगे तो बारिश के मौसम में आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अंत में श्री गिरी जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे ये वीडियो को प्रोवाइड करवाया जिससे मैं आपसे इसको शेयर कर पाया। गिरी जी की तरह आप भी मेरी वेबसाइट पर जाकर वहाँ से सीड, फर्टिलाइज़र और दूसरे गार्डनिंग एक्सेसरीज़ को देख सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक मेरा शशि का आप सबको नमस्कार।